गोशे मरबा अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद रोज पहले गफूर अलवी की वीडियो देखी है नेट पे, और इन्होंने कोई चैनल बनाया है स्पिरिचुअल स्टूडियो के नाम से। उसमें अब वीडियो तो काफ़ी लंबी है, उस वीडियो का जो लब्बे लबाद है, जो उस वीडियो का अर्क है, वो ये बताया गया कि कोटरी में जो सरकार थे वो सरकार नहीं थे, मतलब सरकार का जुस्सा था, और असल ज़ात कौन सी थी, असल ज़ात ये यूनुस है। और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि रेफरेंस, मतलब कि जुस्सा पहले आया और असल ज़ात बाद में है। जिस तरह ये मैक्सिमम क्या 100% लोग मैदी फॉर्मेशन थे, हमें निकाल के ये दीन इलाही का हवाला देते हैं कि इस आखिरी ज़माना में अल्लाह एक खास रूप को इस दुनिया में भेजेगा, तो उस रेफरेंस को ये कोट करते हैं कि सरकार ने वो जो रेफरेंस कोट किया था वो ये यूनुस का था, वो ज़ात ये यूनुस है, सरकार तो एक वसीला थे, सरकार ने हमें तैयार किया और इसकी तरफ भेजना था, एक रेफरेंस तो ये कोट करते हैं। जबकि मेरे पास वो वीडियो है सरकार की, जिसमें सरकार ने ये हवाला दिया कि आखिरी ज़माने में अल्लाह एक खास रूप को दे, तो आगे सरकार ने जो फरमाया वो सरकार की ज़ात ही है, मतलब किसी यूनुस या किसी और की तरफ इशारा नहीं है, खुद इश खुद आशिक खुद माशूम। लेकिन इतनी बड़ी गुमराही मैदे फॉर्मेशन में और हाई लेवल पे यूनुस भाई समेत, उन्होंने कोई इस चीज़ को रोका नहीं, कोई सदेबाद नहीं किया, इस चीज़ को फैलाने में किरदार अदा किया, हाँ जी वो जो सरकार ने भेजा कि उसको यूनुस, तो ये एक तो रेफरेंस ये पेश करते हैं। दूसरा रेफरेंस के सरकार को जुस्सा है, जो कि इन्होंने पहले अपनी काफ़ी वीडियोस में कह चुके हैं यूनुस भाई की बात कर, क्योंकि गफूर अलवी ने लिंक्स या कोट किए हैं तो यूनुस भाई की वीडियो, तो वो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि सरकार इनके बकौल की सरकार जुस्सा है, सरकार असल ज़ात तो आई, अच्छा असल ज़ात नहीं आई तो वो जो सरकार से मिला था वो कौन था, एक चीज़ सरकार असल ज़ात आई नहीं, फिर ये कहते हैं कि असल ज़ात तो वो जो चिलेगा में गई थी, वहाँ से तो वापस मुड़ के आई नहीं असल ज़ात, वहाँ से तो जुस्से आए, तो वहाँ पर जो चिलेगा में जो ज़ात थी उसकी सूरत आपको याद होगी, शायद भूल गए वो सूरत गौरशे ही है, चांद हिजर अस्वद में सरकार की जो निशानियाँ हैं वो इस दौरे गैबत की गवाही देती हैं कि इस सूरत को नहीं भूलना, ये सूरत जो है ना ये तुम्हारा मुबिशर है, तुम्हारा सब कुछ है। फिर ये कहना कि सूरत परस्ती, चलो मान ली सूरत परस्ती में पड़ गए कि हम लोग, तो फिर अगर बकौल इसके कि यूनुस ज़ात है तो यूनुस का भी कोई जुस्सा होगा, अगर यूनुस ज़ात है तो यूनुस का जुस्सा वो फिर ये गफूर अलवी है, मतलब कितनी बदबख्ती से इतनी बेबाकी से जो है इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है कि सरकार जो कुछ है वो यूनुस है, सरकार नहीं है, सरकार का रेफरेंस क्यों कोट करते हो, वो कहते हैं सरकार का तो सिर्फ नाम है, असल ज़ात। और दूसरी एक और बात करते हैं कि मुर्शिद सरकार ने तो मुरीद बनाया नहीं, सरकार मुर्शिद नहीं थे, तो सरकार ने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से सरकार ने लोगों को फरमाया मुखातिब करके, किसी जगह सरकार ने जाकिरीन के मतलब फरमाया ये हमारे जाकिर हैं, किसी जगह सरकार ने ये फरमाया कि ये हमारे साथी हैं, किसी जगह सरकार ने ये फरमाया कि ये हमारे लोग हैं, किसी जगह सरकार ने ये फरमाया कि ये हमारे अपने हैं, इससे बड़ी और क्या दलील हो कि सरकार ने अपनाया मुर्शिद की ये, वो उस आप मुर्शिद के नाम लफ्ज को लेके बैठे हुए कि सरकार ने कब बैत किया, तो सरकार ने तो ये फरमाया कि हम बातनी बैत करते हैं, रूहों की बैत करते हैं, तो जाहिर बैत सरकार ने नहीं दी तो सरकार मुर्शिद नहीं है। अच्छा ये आपके मुर्शिद जो यूनुस हैं गफूर अलवी को मैं कह रहा हूँ, तो इनसे जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, मैं भी फॉर्मेशन में 99.9% लोग हैं जो ये चीज़ मानते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यूनुस ने आपको बैत किया, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि
अब ज्यादातर इन्होंने फोकस रखा हुआ है इंडिया के लोगों में कि इंडिया को फैस, इंडिया के लोगों को फैस कौन दे रहा है, यूनिस दे रहा है। तो दो चीजें बची हैं, दो ऑप्शन हैं जिनमें से एक अपनानी है, इसके अलावा और कोई तीसरी ऑप्शन बनती नहीं है यूनिस भाई के पास। अब वो ये कहें कि हाँ जी ये तो गफूर अलवी ने कहा था, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने मुख्तलिफ जगह पर उसको डांटा, तो वही गफूर अलवी आपकी वीडियोज उसने लगानी है, आपकी उसने लिंक्स दी है, आपने कहा तो उसने पकड़ा ना। जैसे ये लोग हवाला देते हैं कि सरकार ने फलां जगह फरमाया था, अगर 100 बातें सरकार ने फरमाई हैं तो एक दो बातें निकाल के आपने यूनुस के ऊपर ले आए कि वो तो यूनुस के मतलब थी। इसी तरह अब इनके मुर्शिद ने, इनके मुर्शिद यूनुस अगर 100 बातें कर रहे हैं, एक दो बातें पकड़ के गफूर अलवी अपने ऊपर ले रहा है, तो फिर वो इसी तरह ही है कि यूनुस इनके बकौल यूनुस जात है, दूसरा जो जुसा है वो गफूर अलवी है, और पतन कितने जुसे बनेंगे, नफ्स का जुसा फिर हफ नदीम होगा, फिर वो जो परिंदे शरिंदे हैं ये मुर्तजा फैसल वगैरह होंगे। तो आप ये बात कहीं और से कहीं निकल जाती है। मेरा कहने का मकसद है कि दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप अपनाना है, कल ये कहेंगे कि ये कौन होता है, तो ये तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ये कौन होता है इस चीज़ को आप छोड़ दें, या तो ये करना पड़ेगा कि मैं ही ज़ात हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ू, सरकार के बिना मैं सब कुछ हूँ, मुझे सरकार की ज़रूरत नहीं सरकार आज़म गोरशी की, मुझे सरकार की ज़ात की ज़रूरत नहीं, या तो ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह की तरबियत दी जा रही है ना। पहले तो आपने लोगों को गालम गलोच और नफरत की तरबियत दी, अब आप इस तरह की तरबियत दे रहे हैं कि मुर्शिद की ज़ात से इनकारी, मुर्शिद के नाम से इनकारी। एक ऑप्शन मैंने ये बता दी, दूसरी ऑप्शन क्या है, आपको बरमला ये ऐलान करना पड़ेगा बार बार कि मैं गोरशई का मोहताज हूँ, सरकार गोरशई का मैं मोहताज हूँ, सरकार के टुकड़ों पर मैं पलता हूँ, सरकार के नाम की बदौलत आज ये मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, सरकार की नाम जात के बगैर बिना में कुछ भी नहीं। आप लोगों का मकसद तो सीधा सीधा ये समझ आ रहा है कि लोगों को अपनाना, लोगों को अपनी तरफ लगाना, सरकार के नाम का एक सहारा, एक टेक ली जा रही है सरकार की तस्वीरों की, मतलब कि इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ, हमारी नज़र में तो गुस्ताखियाँ हैं कि सरकार की तस्वीर नीचे यूनुस के ऊपर। अब ये बेचारे नए लोग हैं इंडिया वाले, उनको जिस तरह गाइड किया जाएगा वो उसी तरह गाइड होंगे, उनको तो पिछली हिस्ट्री का नहीं पता कि पीछे क्या कांड हुए, किस तरह के कारनामे हुए, या तो उनको ये गुस्ताखी से बचाओ। अगर आपने ये मानना है और ये समझाना है कि यूनुस ही सब कुछ है, तो कम से कम उनको बोलो कि ठीक है मेरी तस्वीरें लगाओ, सरकार की तस्वीरें नीचे लगा के गुस्ताखी क्यों करवाते। एक चीज़ ये हो, दूसरा ये है कि मान लेते हैं कि अक्सरियत दुनिया की इन लोगों के साथ लग जाती है, यूनुस के साथ लग जाती है, और ये यूनुस सरकार का नाम हटा दे, तो मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे खड़ा है, इसको कामयाबी कितनी होती है। फिर ये अलराज टीवी से सरकार का नाम हटाओ, फिर ये अलराज टीवी से सरकार की तस्वीरें हटाओ, अपने बलबूते पे चलो ना, फिर यूनुस अलगोर नहीं, फिर मोहम्मद यूनुस या जो भी यूनुस, जो भी नाम उस नाम से चलो ना। मैं इसलिए, क्योंकि गफूर अलवी मेरा फोकस नहीं, मुझे दुख हुआ है कि बजाय नाम ये लिया जा रहा है हम वफाए गौरशई हैं, हम गौरशई के पैरोकार हैं, हमने गौरशई के नाम पे जाने देनी है, मेहदी फाउंडेशन में हलफ लिया जाता है कि गौरशई के आगे, गौरशई के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना, फिर ये इस तरह की तरीका है वादा स्मैस अपनी पीरी के लिए, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के लिए। कितने ऐसे माजी में किरदार भरे पड़े हुए जिन्होंने इस तरह का रवैया अपनाया, बाद में नाकाम हुए, ख्वार हुए और बेईमान होके इस दुनिया से चले गए। काफ़ी मिसाल हैं, जुगनी की इसमें मिसाल दी। तो ये भी है कि हाँ जी गफूर अलवी जो है ना उसका किरदार है, हम तो मना करते रहे, हमने खास लोगों से जो इनके राइट लेफ्ट बैठे हैं इनसे सुना है कि ये बात
सकते हैं तो खासों में करने वाली है, गफूर अलबी आमों में कह रहा है, ये मिशन में रुकावट पैदा होगी। इसका मतलब है कि ऊपर ऊपर लेवल तक भी ये बातें जो है ना, ये अकीदा ये ईमान रखा जा रहा है। अब वक्त से पहले क्यों नहीं खोलना कि रुकावट होगी मिशन में। मिशन मिशन क्या है? मिशन इसका मतलब है रियाज अहमद गोरशी प्रचार मेहदी इमाम मेहदी रियाज अहमद गोरशी नहीं है। मिशन तो फिर ये है कि हाँ ये मुर्शद इनका मुर्शद यूनस उसका प्रचार करना, नए लोगों को सरकार का बताओ, फिर जब इधर आ जाए तो यूनस का बताओ। मिशन तो फिर ये हुआ। हम 2018 में मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल में गए इसलिए कि यार एक शख्स बैठे जो सरकार का नाम ले रहा है, उसके साथ मिलके प्रचार मेहदी सरकार की मिशन का काम, सरकार के मर्तबों का काम पूरी दुनिया में फैलाने में एक किरदार एक मतलब के हिस्सा डाले जो कि सरकार की नज़र सरकार की अताश है। अब सरकार ने एक जगह फरमाया कि तुम्हारी जुबानों में हमारा नाम है तो ये हमारी नज़र ही नज़र है, ये हमारी नज़र का कमाल है। जिस दिन तुम्हारी जुबानों से हमारा नाम हट गया तो हमारी नज़र भी तुमसे हट जाएगी। जोगनी पे भी नज़र हटी रानदा दरगाह हो गया। ये गफूर अलवी इसको भी जो है ना तकलीफ हो गई है सरकार के नाम से सरकार की ज़ात से। ये कितना वफादार होगा यूनस का जो गोशे के साथ 42 साल रह के वफा नहीं कर सका। ये हुज्जतें सूरत प्रस्ती चांद हिजर अस्वद गवाही देते हैं कि सूरत को नहीं भूलना। दीन लाई में ये खुद कहते रहे सरकार ने फरमाया ये वो गोरशही है, मतलब कि और भी गोरशही थे, असल जात ये है। कौन सी? ये जो तस्वीर थी दीन लाई के फर्स्ट पेज पे कि वो जाते रियाज है। आज बात करते हैं कि सूरत प्रस्ती की, फिर उस हिसाब से हाँ जी सूरत प्रस्ती आप लोगों के हिसाब से है तो जाते यूनस यूनस हुआ, तो उनका जो जुस्सा है या उन वो तो फिर गफूर अलवी होगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से हम किनारा कशी करते हैं। हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकते जो टोटली सरकार की जात का गुस्ताख है। 100 दलीलें दे लो, हमारे मतलब कहा गया कि यूनस से बुगज करते हैं, हमें क्या बुगज होगा? हम तो एक मैं तो फाउंडेशन में आया कि यार सरकार ने एक बंदे को बैठाया प्रचार भी नहीं, तो यार इसके साथ लग के चलते हैं। अपना आप नहीं देखा, ये सरकार में करम तो हमारी क्या होगा, सरकार की नज़र लेकेंगे। और अब समझ में आती है कि जो होना होता है वो बेहतरी के लिए होता है, और इसमें भी बेहतरी थी कि हमारे सामने काफ़ी चीज़ें सामने आ गई। तो आज से हम इसी टाइम मेहदी फाउंडेशन को अलविदा करते हैं। यूनस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फरा नाज ये ऐलान करती हूँ कि मेरा मेहदी फाउंडेशन से और यूनस भाई से आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं। गौरव।